समाजवादी पार्टी ने आज अपने 37 प्रत्याशियों की तीसरी लिस्ट जारी कर दी है। वह लखनऊ कैंट से चुनावी मैदान में हैं। अपर्णा यादव प्रतीक यादव की पत्नी हैं। उनकी शुरू से ही राजनीति में दिलचस्पी रही है और इसी के मद्देनजर अखिलेश यादव ने अपर्णा को चुनावी दंगल में उतार दिया है। इस सीट पर बीजेपी ने लखनऊ कैंट से रीता बहुगुणा जोशी को उतारा है। ऐसे में अपर्णा का सीधा मुकाबला रीता बहुगुणा से होगा। रीता बहुगुणा ने कुछ वक्त पहले ही बीजेपी का दामन थामा था। वह पिछला चुनाव भी लखनऊ कैंट से जीती थी। इस सीट पर रीता जोशी की काफी अच्छी पकड़ है। रीता यूपी की राजनीति की रग रग से वाकिफ है और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री एचए बहुगुणा की बेटी हैं। इसके अलावा वह कांग्रेस की राज्य प्रमुख भी बनी रही, जिसे उन्होंने पिछले साल छोड़ दिया था। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी इस सीट पर चुनाव लड़ती आई है, लेकिन उन्हें कभी जीत हासिल नहीं हुई। ऐसे में अपर्णा के लिए चुनाव जीतना बड़ी चुनौती होगा। आपको बता दें कि अपर्णा यादव पहले सोशल वर्कर रह चुकी हैं। उन्होंने लड़कियों और महिलाओं के मुद्दे को लेकर आवाज उठाई है। वहीं एसपी की तीसरी लिस्ट की बात करें तो इनके अलावा अखिलेश कैबिनेट में मंत्री अभिषेक मिश्रा को लखनऊ उत्तर से टिकट दिया गया है। अखिलेश यादव ने पूर्व मंत्री और मुलायम की नजदीकी शादाब फातिमा और बाहुबली विजय मिश्रा का टिकट काट दिया है। तो समाजवादी पार्टी ने अपनी तीसरी लिस्ट जारी कर दी है और अखिलेश ने अपर्णा यादव पर विश्वास जताते हुए उन्हें लखनऊ कैंट से चुनावी मैदान में उतार दिया है। ऐसे में देखना होगा कि अब जनता अपर्णा पर कितना विश्वास दिखाती है। देखते रहिए डीबी लाइव।